भारत के बहुत ही कर्मठ जुझारू और लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, श्री एम नाइक जी, एस एन सुब्रमण्यम जी, जिग्नेश जी, प्रिंसिपल मैम, यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी पूनमताई महाजन, मनोज कोटक जी, इस स्कूल से जुड़े हुए सभी शिक्षक, विद्यार्थी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे जीवन में जिनसे मैंने शिक्षा ली, ऐसे सभी गुरुओं को प्रणाम भी करता हूं। आज ये बहुत ही उचित अवसर है कि शिक्षक दिवस के इस मौके पर एम नायक स्कूल का आज उद्घाटन आदरणीय अमित भाई के हाथों से हो रहा है। मैं एम नायक जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अपने जीवन में उन्होंने LNT के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में एक बड़ी सहभागिता दी और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, टेक्नोलॉजी लाने में एक बहुत ही अग्रणी इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया। और अब राष्ट्र निर्माण के बाद समाज निर्माण के कार्य में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है और शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से सुविधाएं तैयार करके और समाज उपयोगी इस प्रकार की व्यवस्थाएं वो तैयार कर रहे हैं। ये स्कूल भी बहुत ही सुंदर बना है। आदरणीय गृहमंत्री जी के साथ हमें स्कूल को देखने का मौका मिला और प्रिंसिपल मैम ये कह रही थी कि अवर थीम इज डायमंड, बिकॉज डायमंड इज रेयर एंड प्रेशियस, और हर बच्चा रेयर और प्रेशियस है, ये हमारी थीम है। और बिल्कुल सही बात है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि इनिशियली एवरी डायमंड इज जस्ट अ स्टोन, यू रिक्वायर प्रोसेसिंग एंड पॉलिशिंग टू ट्रांसफॉर्म इट इंटू अ रेयर एंड प्रेशियस डायमंड। और हमारी जो स्कूल है वो यही काम करेगी, हर बच्चे में जो उसके गुण है, उसमें जो व्यक्तित्व छिपा हुआ है, उसको प्रोसेस करेगी, उसको पॉलिश करेगी, उसको अभिव्यक्त होने की एक व्यवस्था खड़ी करेगी और उसी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी जनरेशन तैयार करने का काम इस स्कूल के माध्यम से होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लाई है और ये शिक्षा नीति केवल शिक्षा नहीं, तो शिक्षित व्यक्ति की जगह ज्ञानी व्यक्ति तैयार हो, शिक्षा का रूपांतर ये ज्ञान में हो और केवल व्यक्तित्व नहीं तो चरित्र भी निर्माण हो, इस प्रकार की व्यवस्था को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को उचित अवसर मिले, समान अवसर मिले और सभी में जो गुण है वो गुण विकसित हो और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में, समाज निर्माण के कार्यों में सभी लोग अपना अपना योगदान दे पाए, इस प्रकार की एक पीढ़ी को तैयार करने का काम इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी में एक उपकरण के रूप में यह स्कूल भी काम करेगी और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करते हुए हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने का काम इस स्कूल के माध्यम से होगा। मैं श्री एम नायक जी को और उनके साथ साथ LNT है और इस स्कूल से जुड़े हुए सारे लोग हैं, फाउंडेशन है,
हमारी प्रिंसिपल मैम है उनके साथ जितने अध्यापन का कार्य यहां करने वाले हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ऐसे सभी को आज के इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अच्छे कार्य में आपने मुझे भी निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।